पिंटू देख दीजिए, जो लड़का सब इधर उधर हुआ था सोच सोच लो को रो रहा है, रो रहा है, हंसेगा, रो रहा है। कौन बोला कि नहीं रुआ है? सब कितना बढ़िया मस्ती में हंस रहा है, हंस रहा है कैसे? गुरुवते सब हंस रहा होगा, बढ़िया बढ़िया हंस रहा, बढ़िया सभी भी हंसेगा नहीं। आखिर अब रोइये कि क्या फायदा, इसलिए मैं चला तो जैसे भी वैल्यू फाइंड करना है सर सजेस्ट का डब्ल्यू का रट जाना है, समझ जाओ कि आ गया यही एग्जाम में आएगा। समझ लिया सर, बनिए गया लड़का का एकदम सटीक जवाब आ गया, बन गया यही हम जवाब की तलाश लिए गया। देखो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू का वैल्यू जो है फाइंड करना है। सब लोग एग्जाम दे रहे हो, बनाओ कौन कौन बना सकते हो, कितना फास्ट बना सकते हो, कंपटीशन में समझो बना रहे। 3x, 3y, सॉल्यूशन क्या करें? 9z और 9w हो गया। अब देखो x प्लस क्या हो गया 4y, 6 प्लस क्या हो गया x प्लस y माइनस 1। देखो ये सिंपल है, क्या है इसको जो है इससे जोड़ देगा, छो को किससे जोड़ देगा इससे, माइनस एक को इससे जोड़ देगा, इससे जोड़ देगा, समझ गया ना। अब देखो ये अब यहाँ पर क्या बचा है, किसको जोड़ेगा माइनस वन, यहाँ पर इसे माइनस वन लिख देगा। ये क्या है जेड प्लस क्या है डब्लू है ना, जेड प्लस डब्लू लिख दो। ये क्या है यहाँ का बैलेंस इस काम गया सर, डब्लू और प्लस क्या हो गया ये 3 हो गया। अब देखो ये बराबर है ना, दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है बराबर है, इक्वल मैट्रिक्स है। तो देखो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर है। अब देखो किसको एकदम पहले लेगा तो जल्दी वैल्यू फाइंड होगा। चलिए ए वन वन को किसके बराबर करना है, ए वन वन के बराबर। इस एलिमेंट का नाम क्या है ए वन वन, पहला रो पहला कॉलम, समझ गया ना, इसको हम ए वन वन बोलते हैं। तो 3x बराबर क्या होगा एक्स प्लस 4 के बराबर होगा। इधर देखिए जो नहीं समझ रहे हैं, छापना भी है समझना भी है, ये प्लस एक्स है इधर लाएगा क्या होगा माइनस है, ये 2x बराबर क्या हो गया दो दूनी चार, x का मान कितना निकल के आया। फिर देखो ये 3y, 3y किसके बराबर होगा 6 प्लस x प्लस y के बराबर, 6 प्लस x प्लस y के बराबर हो गया। अब देखिए ये 6 हो गया, x का मान कितना है दो, अब देखिए प्लस वाई है इधर आके क्या होगा माइनस, छो दू क्या हो गया निकला, दू चौक क्या हो गया वाई का मान क्या हो गया, अब किसका मान निकालना है जेड का, बोलो जेड का मान एन डब्ल्यू किसके बराबर होगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री। अब देखते हैं पिंटू कुछ दम में आया है, पिंटू अब कितने दिनों के बाद दम में आया है, समय पर तो आ गया, समय पर आ गया, 3/2 क्या हो गया मैट्रिक्स सेट का चल रहा है, समझ गया ना, चैप्टर थ्री हो गया। अब देखो अब यहाँ पर पहले ए बी निकालिए, तो करना क्या है एक का एलिमेंट लिख दो, 1 - 2 3 हो गया, -4 2 5 हो गया,
अब देखो पहले ये देखो कि ये भी का गुणनफल संभव है, ये भी का गुणनफल संभव है, तो पहले इसका जो है ऑर्डर लिख लेगा। तो इसका ऑर्डर क्या होगा बोलो तो? टू टू बोलो, क्या होता है? रो गुना कॉलम होता है ना, क्या गोरो है? तीन क्रॉस टू, दो गोरो है, ये गोरो है, कॉलम क्या गो है? दो गो, तीन कॉलम, दो तीन, तो ये टू क्रॉस क्या हो गया? थ्री मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा बोलो? किसमें सर? थ्री क्रॉस टू, ये थ्री क्रॉस, थ्री क्रॉस टू होगा, क्या होगा? थ्री क्रॉस टू। तो देखो ये तीन और ये तीन बराबर हो गया जी, इसलिए इसका गुना क्या है? संभव है। टू फोर टू, उसके बाद थ्री फाइव वन, थ्री फाइव वन वन कर दो गुना। अच्छा ये जो मैट्रिक्स बनेगा टू क्रॉस टू का बनेगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? टू क्रॉस टू, क्योंकि ये जो कॉमन वाला है छंट जाता है, समझ गया ना? ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो होगा टू क्रॉस टू। देखो एक को किससे गुना करेगा? दो से, दो हो गया जी। अब इस माइनस दो को इस चार से गुना करेगा, इस माइनस दो को चार से, तो चार गुना क्या हो गया? आठ। तीन को इस दो से गुना करेगा तो तीन गुना क्या हो गया? छ। कैसे करेगा? देखो ये इस वन को दो से गुना करेगा जी, दो। अब देखो जैसे ससर के इस पर आए तो उसी प्रकार से इस पर ससर के यहाँ पर आ जाना है, समझ गए ना? यहाँ का जो एलिमेंट होता है इसका नाम क्या होता है? ए वन वन, क्या होता है? ए वन वन मतलब पहला रो, पहला कॉलम, समझ गया ना? तो पहले रो को क्या करना है? पहले कॉलम से मतलब संगत एलिमेंट, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, इसका संगत ये हो गया, तो तीन दूनी क्या हो गया? छ। उसके बाद वन गुना थ्री क्या हो गया? थ्री। माइनस टू गुना फाइव क्या हो गया? माइनस टेन नहीं हो गया। अब थ्री गुना वन क्या हो गया? थ्री, थ्री हो गया ना। अब देखो माइनस फोर अब गुना क्या हो गया? टू। अब यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे ना तो माइनस फोर गुना क्या करेगा? टू। तो माइनस एट हो गया, और टू को किससे गुना करेगा? ए फोर से, जितना हो गया एट हो गया। अब फाइव गुना टू क्या हो गया? टेन हो गया। अब देखो माइनस फोर गुना थ्री कितना होगा? माइनस ट्वेल्व। अब टू गुना क्या करेगा? फाइव, तो क्या होगा? टेन हो गया। अब फाइव गुना क्या करेगा? फाइव वन, फाइव हो गया। छ दो क्या हो गया? आठ, जीरो हो गया। उसका तीन तीन छ, तीन तीन छ, छ में से दस गया, क्या हो गया? माइनस फोर। उसके बाद देखो ये आठ कट गया, यहाँ पर क्या बचा? ओनली टेन बचा। उसके दस पांच पंद्रह में से बारह गया, तीन हो गया, ये हुआ। अब निकालो बी ए, अब निकालना है बी ए। अब देखो बी का मान क्या है? टू फोर टू, थ्री फाइव वन। उसके बाद देखो वन और माइनस टू थ्री, माइनस फोर टू फाइव फाइव। इसको देखो इसका गुना संभव है कि नहीं है? थ्री गुना क्या हो गया? टू। और उसके बाद टू क्रॉस क्या हो गया? थ्री। ये और ये मिल गया ना, गुना संभव है। गुना क्या है? संभव है, संभव है। इस का जब गुना संभव है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? थ्री क्रॉस थ्री, समझ गया ना? अब देखो टू को किससे गुना करेगा? वन से। देखिए दो को किससे गुना करेगा? वन से। तो टू गुना वन क्या हो गया? दो, दो, दो हो गया ना। और थ्री गुना फोर क्या हो गया? माइनस ट्वेल्व हो गया ना। अब देखो टू गुना माइनस टू तो माइनस फोर, और थ्री गुना टू क्या हो गया? प्लस सिक्स। अब देखो टू गुना थ्री क्या हो गया? सिक्स। और थ्री गुना फाइव क्या हो गया? फिफ्टीन हो गया ना। अब देखो फोर गुना वन क्या हो गया? फोर। उसके बाद फाइव गुना माइनस फोर क्या हो गया? माइनस ट्वेंटी। फोर गुना माइनस टू क्या हो गया? माइनस एट। अब फाइव गुना टू क्या हो गया? प्लस टेन। उसके बाद देखो फोर गुना थ्री क्या हो गया? ट्वेल्व। अब फाइव गुना फाइव क्या हो गया? ट्वेंटी फाइव। उसके बाद देखो टू गुना वन क्या हो गया? टू। और वन गुना माइनस फोर क्या हो गया? माइनस फोर। और टू गुना माइनस टू क्या हो गया? माइनस फोर। और वन गुना टू क्या हो गया? टू हो गया ना। उसके बाद देखो टू गुना थ्री क्या हो गया? सिक्स। वन गुना फाइव प्लस क्या हो गया? फाइव। ये देख रहे हो टू माइनस ट्वेल्व क्या होगा? माइनस टेन।
उसके बाद माइनस सिक्स माइनस फोर प्लस सिक्स क्या होगा प्लस टू उसके बाद क्या हो गया सिक्स प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी वन हो गया फोर माइनस ट्वेंटी क्या होगा माइनस सिक्सटीन उसके बाद माइनस एट प्लस टेन क्या होगा प्लस टू टू होगा ना उसके बाद ट्वेल्व प्लस ट्वेंटी फाइव क्या होगा ये जो है थर्टी सेवन हो गया ना उसके बाद देखो टू माइनस फोर क्या होगा माइनस टू माइनस फोर प्लस टू क्या होगा माइनस टू सिक्स प्लस फाइव क्या हो गया इलेवन हो गया ना तो ये किसका मान आया बी ए हो गया ना तो ए भी देखो बी ए के बराबर नहीं है इसलिए संभव नहीं है कि ए बी बी ए आपस में बराबर होगा ए बी और बी ए का मान फाइंड करना था तो ए बी और बी ए का मान आ गया कि नहीं आ गया नहीं होगा ये तो यही हुआ है कि एकदम जो मरा हुआ है उसको और मार दो ये देखो ये लड़का सब क्या एकदम शिक्षा एकदम ये तो यही ना हुआ कि जो एकदम मरा हुआ है उसको और मार दो और मार दो जो सब क्लास टेंथ में बनाए हैं ना जी एक्स वाई का मान नहीं निकाले हैं क्लास टेंथ में एक्स वाई का मान निकालते थे ना तो देखिए एक मान को कटाना है इसको जोड़ेंगे कि घटाएंगे इसको घटाना इसको जोड़ देना चेंज करेंगे एगो एक्स एगो एक्स क्या गो एक्स हो गया वाई में से वाई गया क्या हो गया ऐसे काट दो इसको लिखना नहीं है आप देखो जोड़ने का मतलब हो गया कि इस एलिमेंट को इसके साथ जोड़ो तो पांच क्या हो गया आठ दो को किसके साथ जोड़ेगा आठ जीरो को किसके साथ जोड़ेगा नौ को किसके साथ जोड़ेगा माइनस आठ सब आठ पे आ गया जी जी सर सही है सही है आएगा वही ना जो आएगा वही ना आपको लगता है गलत है कि इधर को ना मैं इधर क्या होगा तो दो चौके आठ ये क्या हो गया एक्स का मान निकल गया एक्स का मान जब निकल गया तो समीकरण में एक में रख करके वाई का मान निकाल लेना है कैसे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर तो चलिए एक्स का मान समीकरण एक में रखते हैं फोर फोर जीरो फोर प्लस वाई पांच में से चार गया एक दो में से चार गया माइनस दो जीरो फाइव सबका मान सवाल इस प्रकार से है सेवन हो गया ना नाइट्रोजन को कैसे एक्स का मान फाइंड करना है किसका मान फाइंड करना है फाइंड इसलिए मास्टर साहब बहाना करके निकाल देता आसान है समझ गया ना क्या फाइंड करना है कौन सा फाइंड कर सकता है एक्स का मान सर करेंगे कर देगा जी एक्स प्लस थ्री बराबर सात चार ओ सॉरी टू एक्स ना दो निकलेगा साइड हाँ दो ही निकलेगा देखो टू एक्स बराबर निकलेगा ये टेन हो गया ये फोर्टीन हो गया टू वाई माइनस सिक्स हो गया ये थ्री माइनस क्या हो गया फोर ये वन टू इक्वल टू वाई इक्वल एट एक्स बराबर टू सवाल को किसने बनाया था
इस सवाल को किसने बनाया? बोर्ड में, बोर्ड में मैथमेटिशियन ने बनाया। नहीं नहीं आप लोग बनाए थे। यस सर, हम लोग बना ही देते हैं। जो बनाया बनाया था। हाँ बनाए। कौन बनाया? दो तीन बार बताए थे। दो और पांच एक सवाल है भी नहीं पढ़ाए। टैक्स का मान कितना निकला? दो दो। ठीक है, वाई का नहीं निकालना है। फाइंड एक्सेट वाई, बस एक्सेट को फाइंड कीजिए ना। वाई का फाइंड कर लेगा, मान के चलिए कि वाई का मान फाइंड करने के लिए दे दिया जाए, तब क्या करोगे? इसको बराबर करके वाई का मान नहीं फाइंड कर लेगा।